हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट इंडियन पॉलिटिकी सीरीज़ में आज हम आपके ले ले लिए लेके आए हैं रिट्स एंड देयर टाइप्स इस लेक्चर में हम जानेंगे क्या है फाइव टाइप्स ऑफ रेट्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है इसी के साथ हम जानेंगे क्या है डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिकल थर्टी टू एंड आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन तो आइए स्टार्ट करते हैं रिट्स एंड देयर टाइप्स आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं रिट्स ये रिट्स पांच तरीके की होती हैं पहली होती है रिट ऑफ़ हेवियस कॉर्पस सेकंड इज रिट ऑफ मैंडमस थर्ड इज़ रिट ऑफ़ प्रोहिबिशन फोर्थ इज़ रिट ऑफ़ सोशोरारी एंड फिफ्थ इज़ रिट ऑफ़ क्यू वारंटो जैसा कि हमने आपको आर्टिकल 32 वाली लेक्चर में बताया था कि पार्लियामेंट को 32 के अंदर ये पावर दी गई है कि वो किसी भी कोर्ट को कंट्री में एम्पावर कर सकती है फॉर इशूइंग दिस रेट्स लेकिन आज तक पार्लियामेंट ने इस प्रोविज़न में किसी और कोर्ट को एम्पावर नहीं किया है तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही एट द मोमेंट ये रिट्स इशू कर सकते हैं इन सभी रिट्स को इंग्लिश लॉ से बारो किया गया है जहाँ पे कि इनको प्रेरोगेटिव रेट्स कहा जाता है अब ये तो हम जान गए हैं कि रेट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इशू कर सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रेट जुडिस्टिक्शन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रेट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स लेकिन हाई कोर्ट्स इशू कर सकते हैं रेट्स नॉट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट आल्सो फॉर एनी अदर पर्पस कहने का मतलब यह है कि हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए रिट्स इशू कर सकते हैं और साथ ही साथ फॉर ऑर्डिनरी लीगल राइट के एनफोर्समेंट के लिए भी रिट इशू कर सकते हैं इस हिसाब से जहाँ तक रिट जोरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की बात की जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट से वाइडर है इन दिस रिस्पेक्ट दूसरा डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है अगेंस्ट अ पर्सन और दवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वहीं कोर्ट इशू कर सकते हैं रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन और द गवर्नमेंट जो कि उसकी टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन के अंदर आते हों इसका मतलब ये है कि जहाँ तक टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की टेरीटोरियल जुरिस्टिक्शन कोर्ट से काफ़ी वाइड होती है तीसरा इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये होता है कि आर्टिकल 32 के अंदर जो रेमेडी दी गई है वो रेमेडी ही एक फंडामेंटल राइट right है और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है फॉर एक्सरसाइजिंग इट्स रिट जुरिस्टिक्शन वहीं दूसरी तरफ अगर आर्टिकल 226 देखें तो उसमें जो रेमेडी दी गई है ये डिस्क्रिशनरी दी गई है और इसी कारण से हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो रिफ्यूज कर दे टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिस्टिक्शन तो ये थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट जुरिस्टिक्शन के बीच में डिफरेंसेस आइए अब देखते हैं हम फर्स्ट टाइप ऑफ रिट विच इज़ हेबियस कॉर्पस हेबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी हेबियस कॉर्पस एक ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट इशू करता है टू अ पर्सन जिसने कि दूसरे पर्सन को डिटेन किया हुआ हो और इस ऑर्डर के थ्रू कोर्ट उसको डायरेक्ट करता है कि वो बॉडी यानी कि जो दूसरे पर्सन को उसने कन्फाइन किया है या डिटेन किया हुआ है उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए इसके बाद कोर्ट इस मैटर को एग्जामिन करता है और जानता है कॉज एंड लिगैलिटी ऑफ द डिटेंशन और अगर ऐसी डिटेंशन इलीगल पाई जाती है तो कोर्ट उस पर्सन को फ्री कर देता है इसीलिए रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को बुलवर कहा जाता है ऑफ़ द इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी डिटेंशन यहाँ पे ये फैक्ट जान लें कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को इशू किया जा सकता है अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज़ एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजल्स रिट ऑफ हेवियस कॉर्पस को कुछ कंडीशन पर इशू नहीं किया जाता है फर्स्ट कंडीशन वो है जहाँ पर कि डिटेंशन लॉफुली किया गया हो सेकेंड कंडीशन वो है जिसमें कि डिटेंशन उन प्रोसीडिंग्स के तहत किया गया हो जो चल रही हो फॉर दंटेम्प्ट लेस्लेचर और अ कोर्ट थर्ड केस वो है जबकि डिटेंशन एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किया हो और फोर्थ कंडीशन वो है जबकि डिटेंशन आउटसाइड ऑफ द कोर्ट की गई हो इन चारों सीनियोज़ में रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को इशू नहीं किया जाता है तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ द टाइप ऑफ रेट्स जहाँ पे हमने जाना द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 और साथ ही हमने जाना कि रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस क्या होता है अब हमने अपने लेक्चर्स के फ्री पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू